ओके अब हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 14 प्रूफ ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स के। ठीक है, अभी से मैं आपको बता देता हूं, हम 2018 से लेके 2020 तक के क्वेश्चंस बनाएंगे। इसमें कितने, 18 से लेके 20 तक, 18 19 20 तीन साल के पेपर। ठीक है, 2021 में पेपर ही कैंसिल हो गया था बोर्ड का, और 2022 का जब टाइम था उस समय ये सिलेबस से रिड्यूस था, पूरा चैप्टर ही डिलीट कर दिया गया था। तो 2022 के पेपर में भी इसका कोई क्वेश्चन नहीं आया था, 2021 में पेपर ही नहीं हुआ था। तो अगर आप 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन, तो आपको ये चैप्टर प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि 2023 के पेपर में इसके क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि अब ये सिलेबस में इंक्लूड है। समझ रहे हो, तो हमको कितने साल के पेपर बनाने हैं 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, 18, 19 और 20 के पेपर। समझ गए, फिर 23 में आपका जो पेपर आएगा फिर उसको हम आगे बनाएंगे। ठीक है ना, हो गया, समझ गए। अब सबसे पहले इस चैप्टर की मार्किंग स्कीम के बारे में बात करते हैं, समझ गए। वैसे तो ये चैप्टर बहुत कठिन चैप्टर है, आपने पढ़ा है ना पूरा चैप्टर, अगर पूरा पढ़ा है तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना लेंदी, कितना बोरिंग, कितना बकवास टाइप का चैप्टर है। लेकिन एग्ज़ाम में जब इससे क्वेश्चन आते हैं तो वो फिर सेलेक्टेड क्वेश्चन ही आते हैं। तो अगर आप खाली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही इसके प्रिपेयर कर लेते हो, सो इट इज़ गुड इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन, बहुत बाकी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आपने चैप्टर कवर कर लिया, अच्छी बात है, लेकिन बोर्ड के लिए आपको सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चंस बनाने हैं, और सिर्फ अगर PYQs आपने प्रिपेयर कर लिया सो ये प्रिपेयर हो गया चैप्टर। समझ में आई बात। अब इसके मार्किंग स्कीम की तरफ आते हैं कि कितने नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो आंसर है 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं हर साल। 2018 में भी 4 नंबर का आया, 19 में भी 4 नंबर का आया, 20 में भी 4 नंबर का आया, तो 23 में भी कितने का आएगा, 4 नंबर का आएगा। अब वो 4 नंबर कैसे बढ़ता है इसको समझिए। तो इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव में रहता है, ऑब्जेक्टिव मतलब ऑप्शनल वाले में नहीं, चूज द करेक्ट आंसर में नहीं, या तो फिल इन द ब्लैंक में रहता है या ट्रू फॉल्स में रहता है। समझ आया, तो वो 1 मार्क के क्वेश्चन रहते हैं। तो 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव मान लेते हैं हम, मार्किंग स्कीम की बात करें, 1 मार्क का एक क्वेश्चन रहता है, ये टोटल कितने मार्क्स देगा, 1 मार्क्स। और इसके अलावा 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है जो कि क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 के बीच में रहेगा, मालूम है ना, क्वेश्चन नंबर 2 से 6 तक दो दो नंबर के क्वेश्चन होते हैं, और क्वेश्चन 7 से लेकर 10 तक तीन तीन नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, अगर 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब वो कौन से क्वेश्चन नंबर में फंसेगा, 7 से लेकर 10 के बीच में इसका एक क्वेश्चन रहता है, याद रखिएगा। और सिर्फ प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं, कौन से, प्रूफ करो ये नंबर ऑड नंबर है, प्रूफ करो ये नंबर इवन नंबर है, प्रूफ करो इस नंबर को 6 के मल्टीपल में लिखा जा सकता है, प्रूफ करिए इस नंबर को 4 के मल्टीपल में लिखा जा सकता है, प्रूफ करो ये नंबर 8 का फैक्टर है, बस इसी तरह के पैटर्न रिपीट होते हैं बार बार। समझ आया, तो एक क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, तो ये हमको 3 नंबर देता है, 3 मार्क्स। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 1 और 1 2 क्वेश्चन, और टोटल मार्क कितने हो गए, 4 मार्क। तो 4 नंबर का यहाँ से आता है। तो अगर आप एक ब्राइट स्टूडेंट हैं और अपने 4 नंबर नहीं गंवाना चाहते तो आपको ये चैप्टर जो है वो प्रिपेयर करना पड़ेगा। नहीं तो बहुत से स्टूडेंट को लगता है कि बड़ा बोरिंग चैप्टर है, कुछ पल्ले नहीं पड़ता इसमें, तो चलो छोड़ दो, 4 ही नंबर तो है, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन वो 4 नंबर आपको 100 से रोक देंगे, 96 पे ले आएंगे। समझ आ गई बात, या 75 का पेपर होता है तो आप फिर 71 में ही अटक जाएंगे, 75 कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। समझ गए, इसलिए ये आपको अचीव करना ही है और इसको प्रैक्टिस करना ही है। तो चलिए सबसे पहले हम ट्रू फॉल्स के क्वेश्चनों से स्टार्ट करते हैं। ये 3 क्वेश्चन तीनों सेट के हैं 2018 के, 1-1 मार्क के क्वेश्चन हैं। कितने कितने मार्क के, 1 मार्क 1 मार्क 1 मार्क। समझ गए, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही झंडू बाम टाइप का क्वेश्चन रहता है इसका, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पढ़ो वहीं पे, एग्जाम्पल सोचो वहीं पे, सॉल्व करो, आंसर लिखो, ऐसा रहता है ये, एकदम इजी। सम ऑफ, सम मतलब क्या होता है, जोड़ना, सम ऑफ 2 इवन नंबर, इवन नंबर तो आप जानते हैं ना, किसको, जो 2 से डिवाइड हो जाए या जिसको 2k के फॉर्म में लिखा जा सके, ये पूरा चैप्टर पढ़े हो तो अच्छे से आना चाहिए। तो इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, 2, 4, 6, 8 ये सब इवन नंबर हैं, सम ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर, क्या ये सच है, 2 इवन नंबर का सम इवन नंबर होता है, 2 इवन नंबर ले लो, 2 और 4 दोनों इवन नंबर है, जोड़ो 6 कैसा नंबर आया, इवन, तो ट्रू है, तो क्या लिख देंगे, ट्रू, करेक्ट। सेकंड में आइए,
द सम ऑफ वन ऑड नंबर एंड वन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर. क्या ये सच है? एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर को जोड़ने से क्या इवन नंबर आता है? जरा आंसर लेके देख लेते हैं. एक ऑड नंबर लीजिए वन, एक इवन नंबर ले लीजिए टू, दोनों जोड़िए कितना आया, ये कैसा नंबर है? लेकिन इसने तो इवन बोला है, नहीं समझे? मतलब ये क्या है? फॉल्स. दिस इज फॉल्स. समझ गए? समझे? एक ऑड नंबर लिए वन, एक इवन नंबर ले लिए टू, दोनों को जोड़े, सम निकाले के आया थ्री, और थ्री कैसा नंबर है? ऑड. लेकिन इसने तो इवन बोला था, इसलिए ये फॉल्स हो गया. अगला क्वेश्चन, सम ऑफ टू ऑड नंबर्स. दो ठो ऑड नंबर जोड़िए, क्या इसका सम हमेशा ऑड आएगा? दो ऑड नंबर का सम क्या ऑड ही होता है? देखिए, एक ऑड नंबर लिया थ्री, एक ऑड नंबर लिया वन, दोनों जोड़िए, हाँ ये कैसा आ गया? इवन. तो दो ऑड नंबर का सम ऑड नहीं होता, इवन होता है, इसलिए ये भी कैसा हो गया? फॉल्स. तो खाली ट्रू फॉल्स बोलने में ही आपको एक एक नंबर मिलते जाएंगे. हो गए? अब हम तीनों सेट के एक एक क्वेश्चन लेते हैं, जो कि प्रूफ वाले क्वेश्चन है, उसको देखिए. चलिए, अब हम थ्री मार्क के क्वेश्चन की तरफ आते हैं. तीनों सेट में ये क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 के बीच में फंसते हैं. तीनों सेट में अलग अलग क्वेश्चन रहते हैं, याद रखिएगा. एक जैसे क्वेश्चन नहीं होते, अलग अलग क्वेश्चन रहेंगे. समझ गए? देखिए, हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट, और हर सेट में देखोगे प्रूव के ही क्वेश्चन आते हैं. तीन नंबर के जो क्वेश्चन होंगे प्रूव के होंगे. प्रूव दैट द सम ऑफ, सम मतलब जोड़ना, किसको जोड़ना है? थ्री सक्सेसिव इवन इंटीजर. सक्सेसिव मतलब लगातार. तो तीन ठो इवन नंबर लेके लगातार आने वाली इवन नंबर, जैसे 2, 4, 6 लगातार आने वाली इवन नंबर है कंटिन्यूअसली. तो सम ऑफ थ्री सक्सेसिव इवन इंटीजर इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 6. 6 के मल्टीपल में वो आते हैं, यानी तीन लगातार आने वाले इवन नंबर को अगर जोड़ोगे तो 6 का मल्टीपल होगा, 6 के टेबल में आता होगा वो. जैसे हमने इसको प्रैक्टिकल करके देखिए, तीन इवन नंबर लगातार सोचिए, 2, 4, 6 जोड़िए, 2 + 4 = 6, 6 + 6 = 12 12 हुआ. अब वो जो है वो 6 का मल्टीपल है 12. क्या 6 के टेबल में आता है? यस, आता है 12. तो 6 का मल्टीपल हुआ कि नहीं? तीन इवन नंबर का सम यानी 12 हुआ. अब इसको प्रूव कैसे करेंगे? लिखने का अंदाज तो अलग होगा. तो सबसे पहले हमको इवन नंबर मानने पड़ेंगे, तीन इवन नंबर हमको सोचने पड़ेंगे. तो हम क्या सोचें? इवन नंबर को किस रूप में लिखा जा सकता है? 2 × k. k कोई इंटीजर है, किसी भी इंटीजर में अगर आपने 2 का मल्टीप्लाई किया वो इवन बन जाता है. तो एक नंबर 2k हो गया, तो उसके बाद वाला इवन नंबर कौन सा होगा? हाँ, 2 जोड़ोगे इवन नंबर मिल जाएगा, या 2 घटाओगे तो भी इवन नंबर मिल जाएगा. समझ में आता है? ठीक है, चलिए. तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे. देखिए, सपोज लेट 3 इवन नंबर्स आर. तीन इवन नंबर हम मान लेते हैं. क्या क्या लिखना पसंद करेंगे जी, बोलिए? के ले लो, एन ले लो, क्या लेना पसंद करोगे? के, एन, एम, क्या, ए बी सी डी? नहीं, ऐसा नहीं कि ऑप्शन देंगे तो फिर जेड बोलने लग जाओगे, है ना, टी बोलने लग जाओगे, ऐसा नहीं है. क्या लेना है? एम ले लें, एन ले लेते हैं, एन नंबर के लिए अच्छा रहता है. तो हमने एक नंबर लिया, देखिए 2n. एन कोई इंटीजर है, 2 से मल्टीप्लाई होकर इवन नहीं बन गया, तो ये एक इवन नंबर है. इसके बाद वाला इवन नंबर प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे 2 से 4 में जाना है, तो 2 में क्या जोड़ दें कि 4 आ जाए? 2. तो किसी भी इवन नंबर में 2 जोड़ोगे अगला इवन नंबर बन जाएगा. तो हमने इसी इवन नंबर में 2 जोड़ दिया, तो ये अगला इवन नंबर बन गया, आया. और इसी में अगर 2 घटा देते तो पीछे वाला इवन नंबर मिल जाता. तो इसी में हमने 2 घटाया तो हमको पीछे वाला इवन नंबर मिल गया. ये तीन तो इवन नंबर, समझ में आए? ये और ये मान लिए. अब क्वेश्चन क्या बोलता है? इन तीनों का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा? हाँ, देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तीनों इवन नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पर ना मैं. एक मैंने लिखा ये, दूसरा मैंने लिखा ये, और तीसरा मैंने लिखा ये. तीनों दिख गए, और तीनों को क्या करना है? सम निकालना है. सम मतलब जोड़ दिए, जोड़ दिए, आया समझ? तो अब ये क्या आएगा, देखिए. एन को एक तरफ करते हैं, 2n + 2n + 2n कितना हो गया? 6n. ओके, -2 + 2 कैंसल, +0, ये कितना आ गया? 6n. वेयर n इज एनी इंटीजर, वेयर की निशानी ये है, n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर. n इंटीजर है, कुछ भी नंबर. अब किसी भी नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करोगे वो क्या बन जाएगा? 6 का मल्टीपल, 6 के टेबल में आने वाला. तो यही तो प्रूव करना था, 6 का मल्टीपल. तो ये तो हो गया. सो दिस इज
मल्टीपल ऑफ सिक्स, और ये क्या हो गया, प्रूव्ड। आया समझ में? बस इतना ही छोटा सा प्रूव है और कुछ नहीं है। सम करके दिखाइए, सिक्स इंटू लिख के दिखा दीजिए, बस हो गया। हो गया जी? अगले क्वेश्चन में चलें। ओके, सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं जो कि सेट बी में आया था तीन नंबर के लिए। हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट सम, सम ऑफ किसका, एनी टू सक्सेसिव ऑड नंबर। अब सक्सेसिव का मतलब समझ आया, लगातार। तो कोई भी दो लगातार आने वाले ऑड नंबर का सम किसके बराबर प्रूव करके दिखाना है, फोर के मल्टीपल, यानी फोर के साथ मल्टीप्लाई में लिख के दिखाना है बस। तो सबसे पहले दो ऑड नंबर हमको सोचने पड़ेंगे लगातार। तो लेट टू ऑड नंबर्स आर, ऑड नंबर को किस रूप में लिखते हैं हम लोग, किसी भी इंटीजर को टू से मल्टीप्लाई करते हैं इवन बन जाता है, और किसी भी इवन में वन ऐड करने से ऑड बन जाता है। तो एक इवन नंबर अगर मैंने ले लिया टू एन प्लस वन, नहीं समझे, ये कोई नंबर था इंटीजर, टू का मल्टीप्लाई किया इवन बना, और किसी भी इवन नंबर में वन जोड़ते हो क्या बन जाता है, ऑड। तो ये पहला ऑड नंबर हो गया। अब इसके जस्ट बाद वाला ऑड नंबर प्राप्त करने के लिए क्या करना है, प्लस कितना, जैसे वन के बाद अगला ऑड कौन आता है, थ्री, तो वन में क्या जोड़ने से थ्री आएगा, टू। तो इस ऑड नंबर में अगर टू जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, नेक्स्ट ऑड नंबर। तो जोड़िए टू, ये दोनों जुड़ के कितने हो गए, ये नहीं समझे, या इसको ऐसे लिख सकते हो, ओके ठीक है, ऐसे भी लिख लेते हैं या ऐसे लिख लेते हैं। देखिए इसको लिख लेता हूं फर्स्ट, फर्स्ट ऑड नंबर बी टू एन प्लस वन, एंड सेकंड ऑड नंबर इसमें टू जोड़ दिए तो सेकंड ऑड नंबर मिल जाएगा टू एन प्लस थ्री, इस तरह से लिख लेते हैं। आया समझ में बात कि नहीं आया, आया। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, ये रहे दो ऑड नंबर, ये पहला ये दूसरा, दोनों को क्या करना है, दोनों को सम करना है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों ऑड नंबर जोड़ देते हैं, टू एन प्लस वन और टू एन प्लस थ्री, दोनों जोड़े देखिए कितना आता है, टू एन, टू एन कितना हो गया, फोर एन प्लस वन प्लस थ्री, फोर। और हमको क्या करके दिखाना है, फोर का मल्टीपल, यानी फोर मल्टीप्लाई में दिखना चाहिए, इसमें भी फोर है इसमें भी फोर है, कॉमन ले लें, ये क्या बचा, एन प्लस, एन प्लस वन, नहीं समझे। और ये क्या चीज है, इंटीजर था, यहां हम लिख देंगे ऐसे करके वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, एन को इंटीजर होगा, सीधी सी बात। अब एक इंटीजर में कुछ जुड़ा तो वो क्या बन गया, इंटीजर में कुछ जुड़ेगा तो वो इंटीजर ही बन जाएगा। सो दिस होल थिंग इज इंटीजर। इसको अगले स्टेप में क्या लिख लिए, के, के एम, क्या लिख लें, एम, एम लिख लेते हैं, चलो तेरे मन का हो जाए, दिस इज फोर, समझ आया, वेयर एम इज एन इंटीजर। और m की वैल्यू क्या होगी, n प्लस वन, ये समझ गए, एंड दिस इज इंटीजर, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 4 का मल्टीपल, किसी भी नंबर को 4 को मल्टीप्लाई करो तो 4 का टेबल में नहीं आएगा, आ जाएगा। सो दिस इज मल्टीपल ऑफ 4 प्रूव हो गया। इधर हमने दो ऑड नंबर ऐड किए थे, एक ये था एक ये था, हो गया, दिस इज प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अगले सेट में। ओके, द थर्ड क्वेश्चन इज प्रूव दैट स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड नंबर। हमको ये प्रूव करके दिखाना है कि एक ऑड नंबर का स्क्वायर करने से क्या आता है, ऑड नंबर ही आता है। तो सबसे पहले हमको एक ऑड नंबर मान लेना चाहिए, समझ आया, लेट ए बी एन ऑड नंबर, ऑड नंबर को क्या मान लिया मैंने, ए, समझ रहे हो, डायरेक्ट आप 2k प्लस 1 भी लिख सकते हो। अब इसको मैंने ऑड माना तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2k प्लस 1, सो बाय डेफिनेशन ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर के डेफिनेशन से हमको क्या पता है, किसी भी ऑड नंबर को किस रूप में लिखा जा सकता है, तो a को मैं क्या लिख सकता हूं, वेयर k क्या होगा, कोई इंटीजर, कोई भी इंटीजर, टू से मल्टीप्लाई होकर इवन बनता है और इवन में वन जुड़ के क्या बन जाता है, ऑड। तो एक ऑड नंबर को ऐसे लिखा जाता है। अब हमको क्या करना है, ऑड नंबर का स्क्वायर, तो
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ये रहा ऑड नंबर, इसका क्या कर दिए स्क्वायर, बीच में इक्वल लगा है तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा. ये अब ये चीज तो ठीक है ए स्क्वायर, लेकिन ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, ये पूरा ए और ये पूरा बी है ना. चलिए खोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस टू, टू तो लगा ही नहीं ना, ओके ए स्क्वायर प्लस टू, ये पूरा ए है, टू इंटू ए इंटू बी, समझ आया, ए का स्क्वायर, ये स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी और प्लस बी का स्क्वायर. तो देखो इन दोनों का स्क्वायर होगा, टू का स्क्वायर फोर, के का स्क्वायर के स्क्वायर, टू टू जा फोर और प्लस वन. अब इसमें देखो हमको इसको क्या प्रूव करना था, ऑड, ऑड के लिए किस भाषा में लिखना जरूरी है, इस भाषा में. तो यहां से टू बाहर निकालो, इन दोनों में टू कॉमन है, फोर फोर है, तो ये हमने टू कॉमन निकाल लिया, यहां क्या बचा, टू के स्क्वायर प्लस टू के, खाली टू ही बाहर निकाल रहा हूं एंड दिस इज प्लस. अब देखिए के एक इंटीजर था, के स्क्वायर है ये ना, के एक इंटीजर था तो के का स्क्वायर भी क्या होगा, इंटीजर. किसी इंटीजर में कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा, इंटीजर. किसी इंटीजर में टू इंटू इंटीजर मल्टीप्लाई प्लस होगा, इंटीजर. ये पूरी चीज क्या है, इंटीजर. तो इसको हमने एम लिख लिया, क्या लिख लिए, एम, इस पूरे डब्बे को इंटीजर. कोई आंसर आएगा ना जी सॉल्व होके, ये वो आंसर मान लिया क्या आता होगा, एम, दिस इज अगेन इंटीजर. और यहाँ सामने टू है और लास्ट में वन है, और यहाँ बता देंगे कि वेयर एम इज एनी इंटीजर, और वैल्यू ऑफ एम किसके बराबर होगी, टू के, टू के स्क्वायर प्लस टू के बराबर, दिस इज वैल्यू ऑफ एम. अब ये फॉर्मेट किसका है, टू एम इज एनी इंटीजर, किसी भी इंटीजर को टू से मल्टीप्लाई करो क्या बन गया, इवन, और वन जोड़ दिए क्या बन गया, सो दिस इज ऑड, ऑड नंबर, समझ गए. और इधर क्या चल रहा है, ये ए स्क्वायर. तो देखिए ए को हमने ऑड माना था, ऑड नंबर का स्क्वायर क्या आया, ऑड नंबर, प्रूव हो गया यहां पर ये. और आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन लास्ट में दे सकते हैं कि टू एम इज इवन नंबर, टू एम प्लस वन इज ऑड नंबर, टू एम इवन होगा ना, समझ रहे हो. या और ऊपर से लिखें तो m इज एनी इंटीजर, किसी भी इंटीजर में 2 मल्टीप्लाई होगा इवन बन जाएगा, किसी भी इवन में 1 ऐड होगा ऑड बन जाएगा, इसलिए ये ऑड है, इसलिए ये भी क्या होगा, ऑड होगा. Therefore, a square is odd number. तो ऐसे भी लिख सकते हो और यहां पर भी प्रूव लिख के छोड़ सकते हो. हो गया. तो 2018 के सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, सेम इसी पैटर्न के क्वेश्चन 19 में है, सेम इसी पैटर्न के क्वेश्चन 2020 में भी है. ठीक है, नोट कर लीजिए इसको.